हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक आंसर पर। दोस्तों, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लेट है, पर आज के वीडियो में बात करेंगे कि कांच का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, कांच हमारे जीवन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। आजकल हर चीज़ कांच की बनी होती है। प्लास्टिक के आविष्कार से पहले हर चीज़ कांच की बनी होती थी। दोस्तों, आपको पता होगा कि कांच का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कांच ग्लास, खिड़की, दरवाजे, बोतल, लैपटॉप, मोबाइल की स्क्रीन तथा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयों को पैक करने में। इसके अलावा दोस्तों, कांच ऐसी कई जगह पे यूज़ होता है जिसका सब जनों को पता है। दोस्तों, कांच सामान्यतः दो तरह का होता है। एक सामान्य ग्लास, जिससे डेली यूज़ में सभी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, तथा दोस्तों दूसरा स्पेशल पर्पस ग्लास, जिसे बुलेट प्रूफ ग्लास तथा कार की वाइंड स्क्रीन में लगाने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, यह ग्लास कुछ स्पेशल जगह ही यूज़ होते हैं, जबकि सामान्य ग्लास का यूज़ 90% चीज़ों को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि कांच का यूज़ कहाँ होता है, अब आप ये जानोगे कि कांच का निर्माण आखिरकार होता कैसे। दोस्तों, कांच सामान्यतः रेत से बनता है, किंतु वह अपने आसपास की नॉर्मल रेत से नहीं होती है। दोस्तों, कांच को बनाने के लिए सामान्यतः एक स्पेशल रेत का यूज़ किया जाता है। सामान्य कांच बनाने के लिए ऐसी रेत का यूज़ करते हैं जिसमें सिलिका प्रॉपर मात्रा में उपस्थित होती है। दोस्तों, कांच बनाने के लिए इस टाइप की रेत चाहिए जिसमें सिलिका की मात्रा 90% या उससे ज़्यादा होती है। कांच बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे चूना, सोडा तथा रेत। इन तीनों चीज़ों का दोस्तों मिक्सर तैयार किया जाता है, जिसमें 75% रेत का यूज़ किया जाता है, 15% सोडे का यूज़ किया जाता है तथा 10% चूना मिलाया जाता है। इन तीनों को एक मशीन के जरिए अच्छे से पीस देते हैं तथा इसमें कांच के टुकड़े भी मिला दिए जाते हैं, जिससे दोस्तों उनकी पकड़ अच्छी हो सके। फिर इस मिक्सचर को एक भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। यह लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिससे कि यह मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, यही लिक्विड फॉर्म जो होता है वो कांच कहलाता है। जब यह ठंडा हो जाता है तो कांच में बदल जाता है। फिर इस कांच को ज़रूरत के हिसाब से किसी भी ढांचे में डाल दिया जाता है तथा वह उस ढांचे का शेप ले लेता है। दोस्तों, इस तरह से कांच की अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कांच अलग अलग रंगों में होता है, तो दोस्तों इसका क्या कारण है। दोस्तों, जब कांच लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसमें एक ऐसा केमिकल मिला दिया जाता है जिससे कि उसमें कलर आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कलरफुल कांच को भी बनाया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कि पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से पेट्रोल को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तथा उसका फैक्ट्रियों में फिल्ट्रेशन किस टाइप से होता है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।